हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम बनाएंगे कच्चे केले की सब्ज़ी। इसके लिए सबसे पहले हमने सभी केलों को धो के अच्छे से और फिर हमने एक एक करके इसको कट कर लिया है। इसे हम चाकू की सहायता से कट करेंगे, दोनों सिरों को कट करके। ध्यान रहे कि इसका अंदर का पार्ट जो होता है वो छिलकों के साथ ना आए। फिर हमने इसको धो लिया है। सारे केलों को हम अच्छे से धो लेंगे ना, ये ज़्यादा देर तक पड़े रहते हैं तो ये काला पड़ जाता है। हम सभी को अच्छे से धोकर फिर इसे हम लंबे लंबे स्लाइसिस में कट करेंगे। ध्यान रहे कि जो स्लाइसिस होती हैं ये ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो। अगर ये पतली हो गई तो फिर ये सब्ज़ी में सारे जल्दी से घुल जाता है। ये केला जो होता है सब्ज़ियों में जल्दी घुल जाता है, इसके लिए हमें ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही पतला, हमने मीडियम साइज़ का कट करना है केला। फिर हमने इसे कट करके इसमें जो है सभी मसाले हमने मिक्स कर देने हैं। सभी केलों को कट करके इसमें सभी मसाले जो कि हमारे नॉर्मल मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च, ये सारे मसाले मिक्स करके इसमें हमने एक अलग से मसाला जो अपना तैयार किया है वो भी मैं दिखा रही हूँ, वो हमने इसमें मिलाना है। अब हम देखेंगे कि इसमें हम जो हमारे जो नॉर्मल जो यूज़ होते हैं वो मसाले मैं वो मिला रही हूँ। नमक, हल्दी और मिर्च और धनिया, मैंने हल्दी लिया है और ये हल्दी मिला दिया है। ये मैं लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, वो मिला रही हूँ। धनिया मिला दिया और अब हमने नमक डाल दिया है। अब हम इसमें जो है इसका हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें लहसुन, काली मिर्च, धनिया और जीरा और सरसों के दाने, ये सब हमने इकट्ठा पहले से रख रखा था। अब हम इसको पीस लेंगे। इसे हमने पीस के बाद एक दो चम्मच इसमें हम मिला देंगे, बाकी हम सब्ज़ी की ग्रेवी में डालेंगे। सिर्फ एक दो चम्मच अब हम इसमें सारे केलों के मिश्रण में मिला देंगे। अब हम इसमें से एक चम्मच लेके इन केलों के ऊपर मिलाएंगे ताकि ये इसमें अच्छे से सारे केलों पे अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। हम इसे अच्छे से मिलाएंगे, हाथों से आप मिला सकते हो, नहीं तो आप अगर आप चम्मच से मिलाओगे तो अच्छे से नहीं मिलेंगे। मैंने हाथों से मिला दिया है सारे मसालों के ऊपर ताकि सब पे एक सभी मसालों के सारे केलों पे अलग से कोटिंग हो जाए और इसका फ्लेवर जो है खुल के बाहर आता है। सभी पे मिला दिया है। अब हम इसमें अपनी कढ़ाई को हम गर्म करके अब हम उसमें तेल गर्म होने के लिए डाल देंगे। और मुझे मसाला थोड़ा कम लग रहा था, मैंने ऊपर से और मसाला डाल दिया है, तो आप भी अपने हिसाब से देख लेना। फिर हमने गैस ऑन करके हमने वो मसाला अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने सरसों का तेल का यूज़ किया, आप जो कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। हमारा तेल अब गर्म हो गया है। अब हम इसमें सभी केलों को एक एक करके डाल देंगे। ध्यान रहे कि केलों को अच्छे से डालना है और सभी केलों को हमने तब तक इसे फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है ब्राउन ना हो जाता, एक क्रिस्पी लेयर नहीं इस पर आ जाती, जब तक हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें सारे केलों को उसको अच्छे से देख लेंगे, सब पे हमें क्रिस्पी लेयर होनी चाहिए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने तेल में जीरा और तेज़पत्ता ऐड किया है, उसके बाद हमने प्याज और हरी मिर्च डाल के इसे हल्का गुलाबी होने तक इसे भूनेंगे। इसके बाद अब हम टमाटर का पेस्ट तैयार करेंगे। जो हमने मसाला तैयार किया था वो अब हम इसमें डाल देंगे और इस मसाले को हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर इधर जब तक कि मैंने दो टमाटर कट कर लिए हैं और टमाटर को मैंने कट करके फिर मैंने पीस लिया है। अब इसके हम ग्रेवी तैयार करेंगे, ग्रेवी में यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने जो मसाले हैं हमने नमक, हल्दी, मिर्च इसको हमने डाल दिया है। फिर हम इसमें टमाटर की जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो हम ऐड कर देंगे। फिर हम पानी डाल देंगे। इसके बाद फिर हम इसमें जो हमने केले फ्राई किए हुए थे फिर वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब तक कि सब्ज़ी का ग्रेवी जो है वो गाढ़ी ना हो जाए तब तक हम इसे पकाना है। और उसके बाद हमने इसको इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। Lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul.